नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन आज आपको मिलवाने जा रहा हूं जागो पार्टी के सेंटर दिल्ली के यूथ के प्रधान हरंगद सिंह से। सिंह साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आज आप सिंह साहब बात बताओ, पिछले 15-20 दिन से गुरुद्वारा कमेटी में हो क्या रहा है? जो ये लेटर बम आया हुआ है, आज के लेटर असली है कि नकली है? और दूसरी बात है कि कमेटी क्या इसी चक्कर में रहेगी, कुछ काम भी करेगी? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ कोई प्रधान नहीं हूँ, कोई सकत्तर नहीं, और किसी पार्टी की तरफ से नहीं। मैं एक सच्चा सरदार सिख बन के आया हूँ नानक नेमनर संगत से, जो सिर्फ एक अरदास और बेनती करने आया उन प्रबंधकों के आगे कि मत तमाशा बनवाओ, हमारा मत बेइज्जती कराओ सिखी की। सिखी बहुत मुश्किल मिली है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है उसकी, उसको कायम रहने दो। मगर सिखी में जो पिछले दिन हो रहा है स्कूल के ऊपर, आपके आ रहा हूँ बार बार, मैं चाहता हूँ कि स्कूल पे बात कर लूँ। अंदर से ना भरा पड़ा हूँ स्कूल। स्कूल है किसका? कमेटी का है। तो कमेटी का है तो फिर ये कमेटी के ही मेंबर कह रहे हैं कि मेरा है, बाद में कहते हैं कमेटी का है किसका, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ कि समझ मुझे भी नहीं आ रहा कि सवाल करना क्या है। अमित जी, अगर आपने ये जो चिट्ठी का चल रहा है लेटर का, पिछले आज 20 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, सब आपकी तरफ से आपके पास आगे होंगे इस टाइम पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बंदा कर चुका है इस चिट्ठी के ऊपर। सिरसा जी का कहना है कि प्रिंसिपल जी को तनख्वाह कौन देता है? कमेटी देती है। स्कूल मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? कमेटी संभाल रही है। जब ये जगह ली गई थी तब पैसे कमेटी ने दिए थे, तो फिर स्कूल किसका हुआ? कमेटी का हुआ। तो मगर कमेटी के ही मेंबर कह रहे हैं कि हमारा स्कूल है, गीत है आफ्टर कमेटी के ही मेंबर है ना, और उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो मगर समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। दूसरी बात है कि सिक्की का मजाक कब तक बनता रहेगा इस तरीके से, कि एक ही बात को मुझे समझ नहीं आया, रिपोर्टर मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो सुबह क्या बयान होगा, एक पीसी के बाद अगली पीसी के बाद क्या बयान आ जाएगा। हिप साहब कुछ बयान देते हैं, आधे घंटे में बयान बदल देते हैं। सिरसा जी के लेटर का कोई बयान आता है, कोई बयान बदल जाता है हो क्या रहा है? अमित जी, हिप साहब को अगर कोई बात कह रहे हैं तो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि आज उन्होंने ये बोल दिया कल कुछ और बोल दिया। और तो कह रहे थे मैं गुस्सा हो गया था इसलिए बोल रहा हूं। छोटा बच्चा है कि उसको लॉलीपॉप नहीं मिली है, टॉफी नहीं मिली, तो आज वो गुस्सा होकर उधर चला गया। कल सिरसा जी ने लॉलीपॉप दे दी तो मैं वापस आ गया। कौन सी लॉलीपॉप दे दी है ये? एक तरफ पे बोला जा लॉलीपॉप कौन सी है ये बता दो, लॉलीपॉप है कौन सी? उनको पहले स्कूल दिए गए, कहते हैं कि हाँ जी सिरसा जी ने स्कूल उनको दे दिया है सबसे पहले चिट्ठी जो आई। झगड़ा भी हुआ इस बात के ऊपर, पता है ना बिल्कुल क्या हुआ, वो मैटर क्या हो रहा है आपको ज्यादा पता है। हमारा उड़ती उड़ती खबर आई है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सिरसा जी से लाइव अच्छा करता है, उसका लाइव भी करते तो हमें आसानी जाती। सिरसा जी की तो बात ही अलग है ना, वो तो ऐसे बोलेंगे जैसे सारा कुछ उनके जेब में पड़ा हुआ है, भड़काएंगे लोगों को ऐसा कि जैसे वो कितना सच बोल रहे हैं, उससे ज्यादा कोई सच्चा है ही नहीं इस दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ जहाँ पे हेड साहब, मैं शुरू से इस बारे में बताऊंगा, हेड साहब एक चिट्ठी जाहिर करते हैं कि मंजीत सिंह जी के उनको स्कूल देके गए, और उस पर वो नंबर डलता है 4436 का साइन सरदार मंजीत सिंह जी के जो पूरे डुप्लीकेट। फॉन्ट अगर उस चिट्ठी में देखा जाए तो बिल्कुल अलग। अब उनसे पूछा जाए इतने दिनों उसके बाद वो ये चिट्ठी कहाँ से एकदम पैदा हो गई, ये चिट्ठी कहाँ से आ गई, उनसे पूछा जाए क्यों आ गई। इसलिए आ गई कि सुबह जब वो जाते हैं पुन्नर साहब की कोठी पे, उन्हें बुलाया जाता है सलाह करवाने के लिए कि सिरसा जी और हिंद साहब दोनों एक हो जाओ, अपोजिशन उसका फायदा उठा रही है, जो आपस में ये गाली गलौज पे लगे हुए थे, एक दूसरे की बात को काट रहे थे, तो उन पे प्रेशर डाला जाता है हिंद साहब पे कि हाँ जी आपको तो अब ये स्कूल ऐसे करना है, और ये चिट्ठी उनको दी जाती है कि ये करना है, और दिल्ली सिख कमेटी की साइड से ही वो चिट्ठी मेल की जाती है सबको, करी जाती है। अमित जी आपके पास भी आई होगी कमेटी की तरफ से वो चिट्ठी आई आई, बिल्कुल आई। अगले दिन सुबह जब कोर्ट जाया जाता है तो वहां पे ये आपस में लड़ मरते हैं फिर से, हेड साहब और हमारे सिरसा जी। एक तरफ सिरसा जी प्रधान दिल्ली सिख उन्मूलन कमेटी के और MLA भी रहे हैं, दूसरी तरफ हेड साहब जो प्रधान पटना साहब कमेटी, कोई छोटी बात तो नहीं है, मेंबर दिल्ली सिख कमेटी के, उससे बड़े साबका मेंबर भी रहे दिल्ली सिख प्रधान भी रहे, बिल्कुल प्रधान रहे। तो उसके बाद वे दोनों जज के सामने लड़ पड़ते हैं, जज के सामने लड़ाई हो जाती है, जज के सामने बिल्कुल लड़ाई हो जाती आपको है। किसने बताया? आप तो थे नहीं वहां पे। हम तो बिल्कुल नहीं थे, बट बातें तो बाहर आती है ना, हमारे भी कुछ सोर्स है, हमें पता चलता है कि वहां पे आपस में लड़ाई हो पड़ती है। कोठी में गया उसके बारे में बताया होगा, बिल्कुल हुआ वहां पे, इन दोनों की समझौता कराने की कोशिश कराई गई कि तुमने अब समझौता करना है और सरदार मनजीत सिंह जी के पास फंसाना है, तो चिट्ठी बनाई जाती है सरदार मनजीत सिंह जो कल शाम को हुआ झगड़ा। कल शाम को कौन सा झगड़ा? हमें तो इस बारे में कोई नहीं पता भी। जो कल शाम को आप भी के ग्रुप में चल रही है बात, कल शाम को झगड़ा हुआ, वो हाथापाई होने की बात आई,
बिल्कुल आई, वो आता पाई तो तब आने पे आई, जब सिरसा जी बोलते हिंद साहब गलत है, उनके नाम का समन निकला गया है कोर्ट से, और हिंद साहब बोलते मेरे पे तो कोई समन नहीं आया, ना सरदार मनजीत सिंह जी के पे समन आया है। एक तरफ हिंद साहब ने बोला जा रहा है कि सिरसा जी गलत है, सिरसा जी कहते हैं हिंद साहब गलत है, तो दोनों में लड़ाई तो होनी है। अब जो लड़ाई हो रही है इसका अंत क्या? ये तो सिक्खी का मजाक बनता जा रहा है, बनता ही जा रहा है। इसको आज आज ये नौबत आ चुकी है कि अगर हम रोड पे निकल जाए ना तो हमसे ये पूछा जाता है, भाई वो चिट्ठी पढ़ी तूने, वो चिट्ठी देखी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? जा एक टाइम था कि हमसे पूछा जाता था रागी कौन सा आ रहा है, गुरुपुरब कौन सा बनाया जा रहा था। हम तो बस यहाँ पे बेनती करने आए हैं सरदार सिरसा जी से, तमाशा ना बनाओ सरदारी का। जो सिक्खी इतनी मुश्किल से मिली है, नानक नाम लेवा संगत जो जुड़ी हुई है ना, उसे जुड़े रहने दो, उसका विश्वास मत उठाओ संगत का। जो आज गुरुद्वारे आ रही है मत्था टेक रही है, उसको वैसे ही मत्था टेकने दो। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है कि अगला झगड़ा कब होना है, अगले झगड़े में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होनी है, या यहाँ पे कुछ अब इसे नकेल कसनी है इस बात के ऊपर? देखो हम तो चाहते ही नहीं कि झगड़ा हो ना तमाशा बने, ये तो आपस में ही रोज लड़ मर पड़ते हैं, आपस में ही इनकी लड़ाई हो जाती है, इनकी आपस में सोच ही नहीं मिल रही है। सरदार सिरसा जी जब 71 थे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली को, तो वो हरमनजीत सिंह जी पे हाथ उड़ाने की कोशिश करते हैं और उनको बाहर कर दिया। आज उनके गुरु समान सरदार हिंद जी उनको फालतू बोलते हैं, गालियां निकालते हैं और आपस में हाथापाई की खबर आती है। तो इसमें तो सरदार सिरसा जी को सोचना चाहिए वो कहां बैठे और क्या हरकतें कर रहे हैं। तो इसका अंत क्या है? बात वहीं आ रही है, इसका अंत क्या है? अंत क्या भैया, अंत क्या है? अंत यही है, उनसे यही हम भेंट कर रहे हैं कि आप अपनी प्रधानगी जैसे चलना चाहते हो वैसे करो, बट सिक्खी के साथ मजाक ना उड़ाओ ना खेलो, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही चलने दो, स्कूल बनाओ, अच्छी शिक्षा दो बच्चों को, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ, और जो स्कूल जिसका है उसी को संभालने दो, इधर उधर मत दो किसी को खुश करने के लिए। हरंगद सिंह जी झगड़े चलते जाएंगे या ये झगड़े को नगे, क्योंकि जब भी कमेटी में बदलाव आने की बात शुरू होती है, इवन इधर रिकॉर्ड भी रहा है कि मंजीत जी के जब भी आने लगते हैं सर कमेटी में बहुत सारे झगड़े शुरू होते हैं और सर फटे शुरू होते हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था 2013 में, कमेटी में झगड़े हुए सर फटे, तो मंजीत जी के आए, क्या दोबारा वही होने वाला है क्या? संगत तो यही कह रही है कि सरदार मनजीत सिंह जी के वापस आए और अपनी प्रधानगी जैसे उन्होंने 7 साल की अच्छी निकाली है वैसे ही दोबारा निकाले, क्योंकि ये चीज़ तो प्रूव हो चुकी है सरदार सिरसा जी हो या हित जी हो या कोई और, इनके बस की नहीं है ये कमेटी संभालना। इनके कमेटी के पक्ष में आज 1 साल हो गया है, सिर्फ लड़ाई हुई है, सिर्फ आपस में गाली गलौच हुआ है या हाथापाई हुई है, अच्छा काम कोई इन्होंने नहीं किया है। अगर आप वो चले जाओ गुरुपुरब के मनाने के ऊपर, तो इन्होंने वो गुरुपुरब ऐसे मनाए गए जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश नहीं था, जहाँ 550 रागी तो बिठा दिए बट जोड़े पहन के खुद जूते पहन के खुद खड़े हो गए। तो ब्लेमिंग राजनीति होगी ना, कांग्रेस नगर कीर्तन ले जाने की बात हुई ना, इनके पास कोई परमिशन ना कोई लेटर, और वहां पर अमित जी ये पैसा इकट्ठा करके और सोना इकट्ठा करके संगत का। और ये तो देखो सबने सुन लिया, कॉन्क्रीट बात है तो समझिए, अभी तो हमारे पूरे 15-20 मिनट आपने मेरे से जो पूछा तो कुछ भी निकल गया। आपने मेरे से पूछा अमित जी कि क्या है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि संगत ने इनको भी देख लिया 1 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, तो आज उनको दोबारा सरदार मनजीत सिंह जी के याद आ रही है संगत को कि जो 7 साल इतने अच्छे निकाले हैं वैसे ही आगे और सालों साल मनजीत सिंह जी के प्रधान बन के निकाले। तो दोस्तों आपने सुना हरंगद सिंह ने किस तरीके से हर बात का जवाब दिया, और चिट्ठी बम के ऊपर भी बात करी और बाकी बातों पर बात करी, फैसला आपका कि कौन सच्चा और कौन झूठा। मगर एक बात करना चाहूंगा, जो गुरुद्वारा कमेटी में हो रहा है, जो आपस में एक दूसरे पर लालचन लगाए जा रहे हैं, मगर शायद कमेटी इसकी जगह अपने अक्स को बरकरार रखते हुए स्कूलों की टीचरों को सैलरी देना वक्त पे काम करती तो शायद उसके लिए ज़रा बेटर था, रादर देन कि वो आपस में इल्जामबाजी करके सिक्की को ही बदनाम कर रही है। दोस्तों मिलेंगे अगली बार किसी अगली शख्सियत से, तब तक के लिए नमस्कार।